फ्रेंड्स, आत्मज्ञान, आत्मसम्मान और आत्मसंयम, ये तीनों ही जीवन में आपको परम संपन्नता बनाती है। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल एस्ट्रो साइगुरु में हार्दिक स्वागत है। हमारी विशिष्ट चर्चा त्रिग्रही योगों के बारे में चल रही है। आज हमारी चर्चा त्रिग्रही योग जो है ये क्या होता है, और आज हमारी चर्चा वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो पे होगा, और ये जो हम ये चंद्र राशि पे आधारित है, और स्कॉर्पियो इंग्लिश में, और जिनको अपनी नाम राशि या लगन राशि या नॉर्मल राशि से देखें तो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि बनेगी। सबसे पहले जैसे हमारा थंबनेल है, ये बड़ा आर्थिक लाभ वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो राशि त्रिग्रही योग 19 मई से 12 जून। सबसे पहले मैं बता दूं, 1 मई 2024 को गुरु भगवान आपके सप्तम भाव में आ गए थे वृषभ राशि में, और 14 मई को सूर्य भगवान ने भी गोचर 7th हाउस पर करा वृषभ राशि पे, और अब 19 मई को शुक्र भगवान ने अपने ही राशि, क्योंकि शुक्र भगवान के अपने राशि वो है वृषभ राशि है, तो ये तीनों ग्रहों का योग बन गया है। सबसे पहले मैं बता दूं, ग्रह गोचर स्थिति सप्तम भाव में आपके सारे तीनों ग्रह का विराजमान है, शुक्र, सूर्य और गुरु। तो सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे, सूर्य भगवान देखिए वो आपके 10th लॉर्ड हैं, और 10वें भाव 10th लॉर्ड जो है वो आपके जो सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या है कि कैरियर के स्वामी और आपके मेन जो लॉर्ड हैं, काम के जो लॉर्ड हैं, वो कैरियर के जो स्वामी हैं, 10th लॉर्ड सूर्य भगवान, वो जो है आपके गोचर में जो है आपके लिए एक विशिष्ट योग बना के रखे हैं, जिसके लिए कि आपको बड़ा शुभ समय आपके लिए है। सूर्य भगवान शासन अथॉरिटी गवर्नमेंट उच्च अधिकारी आत्मा आपके पिता के कारक होते हैं। शुक्र भगवान आपके 7th लॉर्ड, शुक्र भगवान प्लेजर्स, मैरिटल प्लेजर, मैरिटल सुख, और आपके 12th लॉर्ड हैं। तो ऐसे में देखिए, विदेशों से इनकम, एक्सपोर्ट, इंटरनेट मार्केटिंग और सारे इस किस्म के जितने भी फॉरेन से रिलेटेड जो भी जो काम काज हैं, इन्वेस्टमेंट्स के धन लाना, बाहर से फॉरेन से जो धन आना, ये सारे जो है कर्म से धन आना, ये सारे आपके योग जो हैं बने हुए हैं, और ऐसे में आपको शुक्र का और सूर्य का विशिष्ट योग बना हुआ है। इसके बाद हम आते हैं कि गुरु भगवान, गुरु भगवान कौन है? गुरु भगवान आपके ज्ञान के कारक हैं, जिसे हम ब्रह्मा कहते हैं वो हैं। तो ऐसे में हम यही कह सकते हैं कि 19 मई से 12 जून का जो समय विशिष्ट समय, इसमें एक विशिष्ट योग बना हुआ है, इसको विशिष्ट उपाय भी हम देंगे आपको, क्योंकि शुक्र देखिए धन के कारक हैं। आज हमारी चर्चा सिर्फ धन और आर्थिक लाभ के बारे में होगा। सूर्य भगवान शासन के कारक हैं, और गुरु भगवान जो है वो ज्ञान गुरु, और आप कह सकते हैं नॉलेज के कारक भी हैं। तो ऐसे में आज जो है हम यही कह सकते हैं कि इस ये जो समय जो है 19 मई से 12 जून का समय हमारे वृश्चिक राशि वालों के लिए आर्थिक लाभ का बड़ा जबरदस्त समय आया हुआ है, क्योंकि बहुत लोगों का हमारे पास मैसेजेस आए कि वृश्चिक राशि वालों पे बड़ा कष्ट समय है। लोग कहते हैं कि जी 1 महीने में क्या होगा। देखिए जी, काम बनने के लिए 1 घंटे में भी हो सकता है, 1 दिन में भी हो सकता है, और 1 हफ्ता भी हो सकता है। तो इसलिए ये 19 मई से 12 जून का समय बहुत ही विशिष्ट समय है। इसमें आपको फोकस करने हैं आपको अपने आर्थिक लाभ पर, और हम एंड में उपाय भी बताएंगे। इसमें सबसे पहले हम बता देंगे कि उसमें ये जो तीनों ग्रहों का जो है, इसको तीनों ग्रहों का योग पालने के लिए आपको क्या करना है कि देखिए, आप अपने मंदिर, घर के पास मंदिर जाएं, वहाँ पे ब्राह्मण देवता के जाएं, उनको दर्शन करें, उनके पाँव छुएं, उनसे आशीर्वाद लें, और उनको कुछ दक्षिणा दें, और दक्षिणा देने के बाद आप क्या करें कि उनसे जो है उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो जो है कोई आपको 1 रुपये का सिक्का या 2 रुपये का या 5 रुपये का सिक्का उनको दें, उनको वो ब्लेस करके आप देंगे। देखिए इससे क्या होगा, देखिए वो सिक्का जो है वो शुक्र रिप्रेजेंट करता है, और वो जो ब्राह्मण देवता वो गुरु रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो है वो जो सिक्का आप घर पे ले आएँ, घर पे ला के आपने अपने मंदिर में लक्ष्मी जी के यहाँ 2-3 घंटे के लिए रख दें। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको एक लाल कपड़े में लें, क्योंकि लाल कपड़ा सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, उसको लाल कपड़े में रख के बांध दें, और साथ ही उसमें 5 या 10 इलायची के चीज़ें, हरी इलायची डाल दें, और उसको फिर अपने तिजोरी में रखें। और ऐसे में आप देखेंगे कि आपके धन की भी जितने भी जो समस्याएं हैं या रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी। इसको रेगुलरली रखें, ये उपाय आपने करना है, एक ही बार करने का उपाय है, बहुत ही शानदार उपाय है। कईयों पे हमने इसको पहले किया है। ऐसा त्रिग्रही योग जो है बहुत कम समय में आता है, और ये समय लाभ उठाने का है। इसको आप किसी भी दिन कर सकते हैं, मगर अगर गुरुवार को करें तो गुरु का भी फल मिलेगा, या आप शुक्र को कर सकते हैं, या आप संडे को रविवार को कर सकते हैं। ये उपाय आपको करने के लिए बहुत ही शुभ है। साथ ही अन्य उपायों में आप सूर्य को जल दें, और
पीपल पे पीपल देवता पर जल दें और साथ में शुक्रबान के लिए लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना आपके लिए अति शुभ होगा। तो फ्रेंड्स ये जनरल उपाय हैं, ये जनरल गोचर के जो रेमिडीज होती हैं ये जनरल होती हैं, आपकी गृह स्थिति कुछ अलग हो सकती है, आपकी गुरु राहु और अन्य शुक्र की पोजिशन अगर अच्छी नहीं है तो उसका फल उतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो हम आपसे हमारी प्रार्थना है आप अपनी कुंडली हमारे से चेक करवा सकते हैं एग्जैक्ट रिजल्ट्स के लिए, तो उसके लिए आप हमारे से 8010013346 पर भी संपर्क कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और मैं आपको इस विशिष्ट तीन योग का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ हमारे वृश्चिक और स्कॉर्पियो वालों को। आपको हार्दिक शुभकामनाएं और वंदन। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।